नमस्कार बच्चों, ऑर्बिट स्मार्ट स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी और दूसरी इकाई है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री ये हमारा गद्य है और श्री सुदर्शन जी ने ये न्याय मंत्री लिखा हुआ है। न्याय मंत्री के लेखक हैं श्री सुदर्शन। तो बच्चों, पहले हम सुदर्शन जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ है सन 1896 में और इनका निधन हुआ है सन 1968 में। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन में ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। बच्चों, ये जो सुदर्शन जी हैं वो कहानी लिखते थे और ये न्याय मंत्री, इसका मतलब होता है न्याय करने वाला। जो न्याय करता है उसको कहते हैं न्याय मंत्री, न्याय करने वाला मंत्री। न्याय मंत्री जो न्याय करता है वो कहलाता है न्याय मंत्री। तो बच्चों, ये जो हमारा गद्य है ये इसका प्रकार भी है कहानी। ये जो हम आज सीखने वाले हैं, जो हम आज पढ़ाई करेंगे न्याय मंत्री गद्य की, वो हमारी कहानी है। इसमें कहानी दी गई है, ये इसके द्वारा हमें, कहानी के द्वारा हमें कुछ सीख भी मिलती है। तो बच्चों, ऐसी ही कहानियाँ सुदर्शन जी लिखा करते थे। तो पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवती। हाँ बच्चों, ये जो सुदर्शन जी हैं वो कहानी लिखते थे और उनकी ये जो कहानी संग्रह है ये ढेर सारे प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, हम इस कहानी में क्या देखने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। तो बच्चों, आज हम इस न्याय मंत्री कहानी के द्वारा क्या सीखने वाले हैं? तो इसमें कहानी क्या है? तो बच्चों, सम्राट अशोक की कहानी है। हाँ, सम्राट अशोक हैं, उनको एक न्याय मंत्री की तलाश होती है और ऐसे में ही उनको एक शिशुपाल नाम का न्यायप्रिय जो इंसान होता है वो मिल जाता है और उस शिशुपाल को वह न्याय मंत्री बना देता है। और उसके बाद क्या होता है वो हम इस कहानी में देखेंगे। तो बच्चों, हमें इस न्याय मंत्री कहानी के द्वारा क्या प्रेरणा देने वाले हैं? तो न्याय की, निष्पक्ष न्याय की जो जिम्मेवारी है उसके बारे में हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरक कहानी है, यानी कि न्याय के बारे में हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलेगी। इस कहानी में न्याय की बातें समझाई गई है कि न्याय कितना निष्पक्ष होता है। इसको सम्राट अशोक और शिशुपाल की कहानी द्वारा हमें समझाया गया है। श्री सुदर्शन जी ने ये कहानी में हमें न्याय मंत्री कहानी द्वारा हमें न्याय की जिम्मेवारी का महत्व समझाया है। तो बच्चों, हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हाँ, पहले ही हम बच्चों जान चुके हैं कि इसमें सम्राट अशोक और शिशुपाल की बातें आती है, तो कैसे वो हम आगे देखते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। हाँ बच्चों, संध्या का समय था, संध्या यानी शाम का समय था और चारों ओर अंधकार फैल चुका था।
यानी जब रात की शुरुआत होती है तभी पहले पहले का समय, उसको संध्या कहा जाता है। तो अंधकार फैल चुका था और ऐसे में ही किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब संध्या थी और अंधकार हो चुका था तभी किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाता है, हाँ यानी कोई दरवाजे पे आता है। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। हाँ बच्चों, पहले हमने देखा कि दरवाज़ा खटखटाता है, तो ये कौन, किसके घर? तो ब्राह्मण शिशुपाल, जो शिशुपाल है वो एक ब्राह्मण है और उसके घर का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। हाँ बच्चों, तो ये जो ब्राह्मण शिशुपाल है वो कहते हैं कि कौन है, हाँ दरवाज़ा खटखटा है, थोड़ा सा दरवाज़ा वो खोलते हैं और कहते हैं कि कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई। हाँ, अभी शिशुपाल जी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो कौन है ऐसा बोल के दरवाज़ा खोलते हैं। तो बाहर से दरवाज़ा खोलने पर क्या आवाज़ आता है कि एक परदेसी, जो दरवाजे के सामने खड़ा व्यक्ति है वो कहता है कि मैं एक परदेसी हूँ। तो ऐसी आवाज़ आती है, ऐसा वो व्यक्ति बोलता है, एक परदेसी जो बाहर खड़ा हुआ है वो कहता है कि मैं एक परदेसी हूँ। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? अब ये आगे कहता है कि मैं एक परदेसी हूँ और क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? ऐसा किसको कहता है? ब्राह्मण शिशुपाल को। ये जो परदेसी है वो शिशुपाल के घर आया हुआ है और वह उसको पूछता है, शिशुपाल जी को, कि क्या मैं आपके घर एक रात रुक सकता हूँ? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। पहले तो वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं, और जब वो पूरा दरवाज़ा खोलते हैं तो उसे जो ये परदेसी खड़ा है वो नव युवक है, यानी युवान है, युवक है, वो खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। हाँ, सौभाग्य यानी खुशनसीबी। हाँ, तो शिशुपाल कहता है, जब परदेसी उनसे पूछता है कि क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा, तो ये शिशुपाल जी मुस्कुराकर कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों में यह घर, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। हाँ बच्चों, अभी देखो, अतिथि यानी कि मेहमान, ये जो परदेसी है ये शिशुपाल जी के घर आया हुआ है इसलिए इसको अतिथि कहा जाएगा। और वो शिशुपाल जी कहते हैं कि आप अतिथि हो और अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये शिशुपाल जी हैं वो उस नव युवक का स्वागत करते हैं, हाँ उनको सम्मान देते हैं, कहते हैं कि आइए पधारिए, आपके चरणों से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। तो अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। हाँ, अभी ये जो परदेसी उनके घर आया हुआ है उनको शिशुपाल जी घर में ले जाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था पर बातें करने लगे। अभी क्या होता है बच्चों कि शिशुपाल जी और वो जो परदेसी युवक है वो आदर सत्कार ये सब खत्म हो जाए, फिर बाद में वो सब बैठते हैं साथ में, ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं और किस पर चर्चा करते हैं कि उस समय देश की अवस्था पर बातें करने लगे। अभी देखो बच्चों, दो लोग साथ में इकट्ठे हुए हैं तो वो देश में जो देश की जो अवस्था है, अभी देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करने लगते हैं। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ, शिशुपाल जी कहते हैं उस परदेसी युवक से, हाँ कि वो देश की अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं
तो शिशुपाल जी उनसे कहते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। सहमत न होना माना, हाँ, जो शिशुपाल जी कहते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, तो वो मानते नहीं हैं। जो परदेशी युवक हैं वो सहमत नहीं होते, वो नहीं मानते कि ऐसा हो रहा है, वो असहमत हो जाते हैं। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। हाँ, वो कहते हैं, देश की अवस्था पर बात करते हैं, तो उनको कहते हैं कि दोष निकालना तो आसान है, लेकिन सुगम, देखो बच्चों ये शब्द है, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम माना आसान, सरल। तो ये जो परदेशी युवक है वो कहते हैं कि दोष निकालना तो सुगम है, आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। हाँ बच्चों, अभी शिशुपाल जी कहते हैं कि अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अवसर यानी कि मौका। तो शिशुपाल जी उस परदेशी युवक को कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो ऐसे ये शिशुपाल और परदेशी युवक बात करते हैं देश की अवस्था पर, और शिशुपाल जी कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, तो नवयुवक मानते नहीं हैं, कहते हैं कि बोलना दोष निकालना तो आसान है, लेकिन कुछ करके दिखाना मुश्किल है। तो शिशुपाल जी कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं न्याय किसे कहते हैं वो मैं साबित करके दिखा दूँ। तो आप अवसर चाहते हैं। हाँ, अभी ये कौन बोल रहा है बच्चों? तो परदेशी युवक वो शिशुपाल जी से कहता है कि हाँ, आप अवसर चाहते हैं। तो शिशुपाल जी कहते हैं, हाँ अवसर चाहता हूँ। तो परदेशी युवक कहते हैं, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? हाँ, वो पूछते हैं कि आप अवसर चाहते हैं, तो जब आपको अवसर मिलेगा तो फिर कोई अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। परदेशी युवक कहता है कि कोई अपराधी दंड से न बचेगा। हाँ, उनको पूछते हैं कि आपको जब अवसर मिलेगा, आप जब न्याय करेंगे, तो क्या किसी अपराधी दंड से नहीं बचेगा? तो शिशुपाल जी कहते हैं, नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। हाँ, तब परदेशी युवक का शिशुपाल जी से कहते हैं कि यह बहुत मुश्किल काम है, न्याय करना यह बहुत मुश्किल काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंडा बजाकर दिखा दूंगा। हाँ, अभी शिशुपाल जी जो हैं वो ब्राह्मण हैं, तो कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंडा बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए।